उसे एक दूसरे का मतलब वो कर रहे थे वो अपने शायद उसकी लड़ाई हुई है क्या वो भौंकी है तो वो तुरंत जाके बिस्तर के यहाँ ऊपर चढ़ा है और आप देख सकते हैं कि ये बच्चे ये यहाँ इसके देखिए बच्चे हैं बेटा आप बच जाएंगे तेरे बच्चे ताकि भली इसकी जान चले जाए तो जान चले जाए लेकिन एक भी अपने बच्चे को नुकसान ना होने दे। इन बच्चों को हुआ मुश्किल से 5-6 दिन ही हुए। दोस्तों ये इनके बच्चे हैं, देखिए सब सोए हैं। एक भी बच्चे को काटा तो नहीं है ना? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो इसके रेंज से हम लोग दूर करते हैं सब बच्चों को। चल बेटी जा, उठ जा, अब कुछ नहीं होगा तेरे बच्चों को। जा 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 देखो देखो, मैं इसको क्या समझाऊं कि मैं बोल रही हूँ उसको कि मैं बचा लूंगी अब, लेकिन ये देखिए किस तरीके से सो गए, हिलने को तैयार नहीं आता और हमारा पहला फर्ज है इन लोगों को बचाना। इसको तो नहीं काटा है ना सांप? कुछ लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? ऐसे भौंकी बस है। दूर से एक दूसरे का मतलब वो कर रहे थे वो अपने बच्चे के लिए। हटना नहीं चाहिए बताओ बेटी, अरे हट जाना बेटा, मैं बच्चों को उधर करती हूँ। सुमन की तरफ जम गई है बेटी, आओ आओ, मत देना बेटी। मैं बच्चों को बाहर करती हूँ जिससे ये खुद बखुद भाग जाएगी, बच्चों के लालच में ना जाएगी। हाँ तेरे ही बच्चे हैं, दिखा तो भी लाइट ला। रुक जा बेटी, चला दूसरा भी दे रही हूँ। बच्चा हिलाए तो भी उठ के आ गई ना। चल बेटी चल चली, हो गया। ये जो इतने छोटे छोटे बच्चे इनको आराम से कोबरा खा सकता है क्योंकि ये इतने साइज में छोटे हैं, बड़े चूहे के आकार के हैं और तो कोबरा का डाइट ये आसानी से बन सकते थे। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया इसकी माँ की वजह से। ये भी देख तेरे बच्चे हैं, देख ये देख। हाँ ये देख बेटी, और जा बाहर, जा हाँ उसको बाहर करेगी, जा बेटा जा जा अपने बच्चों को साथ जा। आज बेटी आ चली, चल चल बेटी चल चली। और चक्कू के ऊपर है ये, ये देखिए चक्कू हटा दू ना।
देखना बनाना कौन दे ना मोबाइल नहीं बड़ा वाला ना कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आपको दिक्कत नहीं हाथ में हमारा सांप है ना हाँ लाइट लेके बच्चे पर ध्यान दे दोस्तों आपने देखा हम लोग बहुत ही इमरजेंसी में यहाँ भागते दौड़ते आए इसलिए हम लोग नहीं बताया कि हमारा लोकेशन कहाँ पे है हम लोग बिलासपुर के धुरीपारा में है और ये जो सिचुएशन था ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था अगर हम लोग सही समय पर नहीं आ पाते थे या तो भैया इन बच्चों को बताने के लिए सांप को मारना पड़ता लेकिन हमारे पहुँचने की वजह से लड़ाई होता अगर इन दोनों का भैया सही समय पर नहीं देख पाते तो बच्चे के साथ भी हादसा होता और माँ की भी जान चली जाती क्योंकि माँ तो एक दीवार की तरह बैठ गई थी कि मेरे रहते हुए तो उसके बच्चों को कुछ हो नहीं सकता। इस घर में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे काफी वीडियो हैं और जो वीडियो नहीं बन पाए फिर भी से हम लोगों ने यहाँ पे 15 से 16 बार रेस्क्यू किया है और हर बार जहरीले सांप ही निकला है कोबरा क्योंकि ये भैया कहाँ रहते हैं नदी वाला बैठ है और इनकी जान इन कुत्तों ने बचाई है इनके पेट्स ने बचाई है भैया के साथ ही जाकर ये पेट्स ना हो इनकी जान पर बताई पता नहीं क्या इनके साथ कब हादसा हो जाए तो ये भोलेनाथ जी की कृपा है कि सबको ही बच गए सही समय पे सांप रेस्क्यू हो गया और जब भी स्नेक बाइट हो खासकर हम लोग इंसानों के लिए तो हमेशा बोलते हैं कि स्नेक बाइट हो तो आप लोग एंटी वेनम मंगवाकर हॉस्पिटल जाइए लेकिन सेम इसी तरीके से अगर जानवरों को भी स्नेक बाइट होता है तो उनको भी इंसानों वाला ही एंटी वेनम लगता है बस आपको दौड़ते भागते वेटनरी डॉक्टर के पास जाके वहां एंटी वेनम लगवाना पड़ेगा तो इनकी भी जान बच जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप लोग अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद। नहीं नहीं तो जा।